गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज है सैटरडे और अभी टाइम हुआ है 8:30, तो बस मैं अभी ब्रेकफास्ट ही बनाने के लिए जा रही हूँ। तो सैटरडे संडे मैं यूजुअली आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ के करूँगी भी क्या, क्योंकि सब लेट ही रूटीन शुरू होता है। अगर उठ भी जाती हूँ तो मैं ऐसे बस लेट ही रहती हूँ, तो मेरा तो सैटरडे संडे ऐसे ही रहता है, थोड़ा लेट ही मॉर्निंग शुरू होती है। यहाँ पे बस मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सिंपल सा ओट का उपमा, बन भी जल्दी जाता है और हेल्दी ऑप्शन भी है, और हमारे यहाँ पे सब लोग खाते भी हैं, तो इसीलिए अगर कभी सो के उठने में ऐसे लेट हो जाता है तो मुझे वाला ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा लगता है, हेल्दी और बढ़िया। तो बस वही बना रही हूँ मैं अभी। ओट का उपमे की रेसिपी मैं दो बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि मुझे एक कमेंट बार बार आ रहा है कि मैं ओट का उपमा की रेसिपी शेयर करूँ, तो मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी दो बार शेयर कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरी ओल्ड वीडियोज़ में भी एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको 100% मिलेगी। आप मेरे चैनल का नेम और अगर कोई रेसिपी टाइप करेंगे तो वहाँ से आ जाएगी, और अगर फिर भी ना मिले तो आप मुझे बताना। वैसे आप देख ही सकते हैं इसमें मैंने क्या क्या डाला है, सिंपल है। इसमें मैंने ऑयल डाला है, इसमें मैंने अनियन और गार्लिक डाला है और करी पत्ता डाला था पहले, और इसमें सब मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद मैं टोमेटो अपना ऐड कर रही हूँ, इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम, और जब मेरा टोमेटो अच्छे से पक जाएगा फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तीन गुना, और तीन गुना क्योंकि उपमा ये ओट मेरा एक कटोरी है, और फिर उसके बाद मैं इसमें अपना उपमा डाल के वो पकने के लिए रख दूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। अगर आप इसमें मसाला मैगी का मसाला जो आता है वो आप ऐड कर देंगे तो एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है। आज मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, यूजुअली ऐड कर देती हूँ। तो बस यही एक क्विक सी रेसिपी थी, मैंने सोचा कि बता देती हूँ, लेकिन डिटेल रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। विंटर्स में बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट करने की जो बात है ना वो अलग ही है, और यहाँ पे पुणे में आजकल इतनी विंटर्स है मॉर्निंग में कि धूप में थोड़ा सा बैठा जाए। तो वही अभी हेड वॉश भी मैंने किया था और अपना ब्रेकफास्ट लेके मैं यहीं पर ही बैठ गई हूँ, तो सोचा कि अपना ब्रेकफास्ट मैं यहाँ पे इंजॉय करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हेड वॉश करके ठंडा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे बैठ गई थी। ओट का उपमा सिंपल ब्रेकफास्ट है और हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली विंटर में जो सूखे सूखे ब्रेकफास्ट होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हेल्दी तो है ही, आप इसमें अपनी पसंद की कितनी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यूजुअली इसमें कैप्सिकम ही पसंद है, तो ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं इसमें डालती नहीं हूँ, और बन भी जल्दी जाता है तो अनवित भी शौक से खा लेता है। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अनवित के लिए क्या बनाते हो, उसकी रेसिपीज आप शेयर करो। अनवित के लिए मैं कुछ स्पेशली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग भी ऐसा अनहेल्दी फूड कुछ नहीं खाते हैं, सब हेल्दी फूड ही खाते हैं, और कम मिर्च वाला मैं उसके लिए निकाल देती हूँ अगर किसी चीज़ में मिर्च ज़्यादा है, लेकिन जो हम खाते हैं अनवित वही खाता है। आज चाय में मैंने इलायची और लौंग दोनों डाले हैं अदरक के साथ। चाय का टेस्ट रियली बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे मुझे चाय में ना अलग अलग फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं। एवरेस्ट का चाय मसाला है जो मैं अदरक के साथ डालती हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो गया तो मैंने इसमें लौंग और इलायची दोनों साथ में डाले हैं। ऐसे बहुत लोग लौंग डालते हैं उसमें इलायची नहीं डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे मतलब दोनों एक साथ डालती हूँ तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और अलग चाय है आज, एकदम मतलब अलग टेस्ट आ रहा है, क्योंकि
बहुत दिन से वो एवरेस्ट का टी मसाला पी रहे थे, तो वही टेस्ट चले आ रहा था। आज शाम को ग्रोसरी करने के लिए जाएंगे तो मैं लेके आऊंगी बाग बकरी चाय, क्योंकि उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा है। दीदी के घर पे पी थी मैंने और मैं दीदी से बोली कि इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम अलग है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। तो दीदी बोली कि बाग बकरी चाय है, और मैं मतलब ऐसे कभी ट्राई नहीं किया ना अलग से कभी कोई टी, लेकिन दीदी के घर पी तो बोल रही थी काफ़ी टाइम से ये वाली ट्राई कर रहे हैं हम। यूजली जब मैं मतलब मेरे मायके में तो ताजमहल ही चलती है, यहाँ पे आई तो यहाँ पे टाटा टी चलती है, और उससे पहले जब मैं पीजी में थी तो मैंने रेड लेबल की नेचर क्योर करके चाय ट्राई की थी, वो मुझे ठीक ठीक लगी थी, क्योंकि एक्चुअली चाय ना दूसरे के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे पी थी, मैंने उससे पूछा कि तूने कौन सी चाय बनाई है ये, तो उसने बोला कि नेचर क्योर की चाय है जो मैंने मतलब यूज़ की है, लेकिन वही चाय मैंने भी खरीदी तो उसमें इतना चेक टेस्ट नहीं आया। तो सेम वही दीदी के घर पे बाग बकरी चाय पिया तो वही मेरा लेने का मन है। अब पता नहीं कि कितना अच्छा मतलब उसका टेस्ट होगा मेरे हाथ की चाय का। दीदी के यहाँ तो मतलब मॉर्निंग हम दोनों बैठ के पीते थे, बहुत बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली विंटर में जो चाय है ना वो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। अभी अनवित यहाँ पे नहा के आया है और सौरभ ने अनवित को नहलाया है। मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। एक्चुअली कल मम्मी गिर गई बहुत तेज, और मम्मी के पैर में चोट लग गई है तो पूरा पैर उनका सूज गया है। तो अभी सौरभ उनको डॉक्टर के पास ही लेके जाएंगे। वैसे तो लंच का जो पूरा काम है वो मम्मी कर देती हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ अनवित का स्कूल वगैरह सब करके। तो मम्मी बोलते हैं कि लंच मैं बना लूँगी, तो ब्रेकफास्ट और डिनर यूजली मैं बना देती हूँ, लेकिन आज मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो लंच फिर मैं ही बनाऊँगी। आज वैसे भी छुट्टी है तो मेरे पास मतलब छुट्टी वाले दिन मुझे उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है, लेकिन जब अनवित का स्कूल रहता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये मराठी में बोलूँ तो घाई घाई रहती है, और आजकल थोड़े थोड़े मराठी वर्ड मैं सीख रही हूँ तो अच्छा लगता है, घाई घाई वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन इसलिए आज थोड़ा सा फ्री है तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। चने और छोले आप लोगों ने देखा ही था, मैंने विसिल लगाने के लिए रख दिए थे जब मैं ओट का उपमा बना रही थी। एक्चुअली थोड़े थोड़े ही दोनों बचे थे तो रात में दोनों ही भिगा दिए थे। यूजली सैटरडे को हमारा लंच में काले चने ही बनते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सैटरडे को काले चने खाने चाहिए, तो चने और छोले दोनों बचे थे तो वही आज। हाँ बोलते हैं कि मुझे कोई लॉजिक नहीं पता, लेकिन मतलब सैटरडे को बोलता ना कि पहले वो तेल आते थे मतलब लेने के लिए तो शनि पे तेल चढ़ाते थे, और लेकिन काले चने भी बोलते हैं कि सैटरडे को मतलब अच्छा होता है। लॉजिक मुझे नहीं पता, कुछ चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं तो वही दिमाग में बैठी हुई है। घोड़े वाली एनर्जी आती है काले चने से तो बस मैं वही उसका छोंक तैयार करूंगी और राइस बनने के लिए रखूंगी। राइस भी मैंने भिगा दिए थे, आटा लगाने के लिए रखूंगी। यही काम है जो बस अभी करने के लिए जाऊंगी और बस वही करने के लिए जा रही हूँ। तुम आओगे तब तक तुम्हें लंच तैयार मिलेगा, ठीक है? पता नहीं डॉक्टर क्या, तो वैसे कितना टाइम लग जाएगा क्योंकि शायद एक्सरे वगैरह भी करना पड़े, कुछ पता नहीं, क्योंकि मम्मी का पैर नीचे नहीं रखा जा रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है उनको और पैर बहुत ज़्यादा उनका सूज गया है, तो देख के ही मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। और ओल्ड एज है तो ओल्ड एज की जो चोट है ना वो वैसे भी बहुत मतलब देर से ठीक होती है, और उनको वैसे भी शुगर है तो मतलब हाई शुगर रहती है उनकी, उनकी चोट वैसे भी बहुत देर देर में ठीक होती है। तो चलिए मैं जाती हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि जब तक ये लोग आएंगे फिर इनको लंच तैयार मिलेगा। छोंक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन रखा है, इस पे मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। आजकल मैं अपनी हर चीज़ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग उसके टेस्ट के यूज टू हैं, और क्योंकि बचपन से तो मैं तो खाती ही आ रही हूँ, और मेरे ससुराल में मेरे आने के बाद मस्टर्ड ऑयल यूज़ होना ज़्यादा शुरू हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो मस्टर्ड ऑयल में बनती है, सूखी सब्जियाँ वगैरह, तो इसीलिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ पे जो मस्टर्ड ऑयल आता था वो एकदम प्योर भी आता था, क्योंकि गांव वगैरह से ऐसे सरसों आती थी फिर उसको मतलब पिड़वाते थे, तो एकदम आंखों के सामने जो निकला हुआ तेल था ना वो आता था, और उसकी जो एसेंस थी ना, जो उसकी फ्रेगनेंस थी वो एकदम अलग ही आती थी, बहुत तेज। यहाँ पे अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आती है, क्योंकि ये मार्केट बोट है तो थोड़ा तो फर्क है ही। हम लोग वैसे अभी पतंजलि से लेते हैं, क्योंकि मुझसे किसने पूछा था कि आप यहाँ पे कौन सा मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो, तो आजकल तो हम लोग पतंजलि का यूज कर रहे हैं, उन्हीं पर ही ट्रस्ट थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि थोड़ा कुछ प्योर होगा। तो एनीवेज मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, और इसमें मैंने अनियन गार्लिक और जिंजर सबको एक साथ ही मैंने चॉप कर लिया था अपने चॉपर में, और इसमें मैंने सब एक साथ डाल दिया है। थोड़ा सा फास्ट कुकिंग कर रही हूँ आज,
और इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर डाला है मैंने चना मसाला, तो जो छोले मसाला आता है वही मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें डाल रही हूँ देसी टमाटर, इस बार हम लोग को देसी टमाटर मिल गए, जो पहले बचपन में आते थे ना खट्टे वाले वो मिले हैं, इसलिए इनका जो कलर है ना वो रेड नहीं है, आप देख रहे होंगे, लेकिन जो टेस्ट था ना वो थोड़ा खट्टा ही था, तो वो ऐड किए हैं। और ये जब मेरे पक जाएंगे तो मैं इनको अपने चनों में ऐड कर दूंगी और एक विसिल लगा दूंगी, तो बस यहाँ पे मेरे जो चने हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इधर मैं मसाला पकने के लिए रखूंगी और उधर लगाऊंगी मैं आटा। आटा मेरा बन गया है, उधर मैंने चनों में भी मसाला ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने राइस बनाने के लिए भी रख दिए हैं, तो जीरा राइस बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे इधर मैं बर्तन ही लगा रही हूँ, ये वाला काम भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बोर ही लगता है, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं। तो यहाँ पे खड़ी थी तो मैंने सोचा कि ये भी लगा देती हूँ, क्योंकि दीदी अभी बर्तन करके गई थी, तो ये काम भी साथ के साथ फिर हो जाएगा, क्योंकि अगर चावलों के पास ही खड़े रहूंगे ना तो बोर ही होते रहूंगी, तो साइड में काम करते रहूंगी तो माइंड बिजी रहेगा और खाना भी फिर जल्दी तैयार हो जाएगा। तो बस इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी और फिर हम लोग करेंगे अपना लंच। और ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच। और चने आप लोग बताना आप लोगों में से किस किस को पसंद है, मुझे तो चने बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जो चने राइस हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मेरी मम्मी की और सौरभ की प्लेट रखी है, पापा जी सामने बैठ के खा रहे हैं और सौरभ भी आएंगे और अपनी प्लेट उठा के जाके देखेंगे टीवी, और यहाँ पे मम्मी और मैं ही एक साथ लंच करेंगे। तो बस अभी लंच करने के बाद फिर हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। अभी शाम हो गई है और लंच करने के बाद मैं एक्चुअली सो गई थी, क्योंकि राइस खाओ ना तो दिन में ऐसे नींद आ जाती है, और चने राइस अच्छे बने थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मॉर्निंग से मुझे, तो जैसे ही लेटी और नींद आ गई, तो बस अभी सो के उठ के आई हूँ। अभी हम लोग सब पियेंगे चाय और मैं जाऊँगी एक्चुअली बाहर स्टेशनरी शॉप तक जाना है, कुछ चीज़ें लेके आनी है। एक्चुअली यूके में ना मैं एक प्लानर यूज़ करती थी हमेशा, जो भी चीज़ें मुझे करनी होती थी मैं जो डाउन कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना वो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना मैं द वर्क से ले आती थी, नहीं तो अमेजोन से ऑर्डर कर देती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चीज़ें भूल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं अपना DIY प्लानर क्रिएट करूँगी, क्योंकि वही मेरा बनाने का मन था। इनफैक्ट सौरभ बोल रहे थे कि तुम अमेजोन से ऑर्डर कर दो, यहाँ पे भी अमेजोन पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं अपना ही क्रिएट करूँगी, तो उसी का ही स्टेशनरी वगैरह सब लेने के लिए जाऊँगी। और बस आज का दिन ऐसा था, और देखते हैं शाम में कहीं निकल जाएंगे बाहर थोड़ा कुछ घूमने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा घर में बैठना पसंद नहीं है, शाम को वीकेंड पे तो अच्छा लगता है कि कहीं बाहर होके आ जाओ तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। तो बस अभी अनवित भी सो के उठा है, उसको भी थोड़ा कुछ दूध वगैरह देना है, और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं है, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, वहीं से ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे, और वीडियोज़ बहुत बार फिर रिकमेंडेशन में भी नहीं आती हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।